Okay. Good evening to all of you. शुरू करें बेटा अपन क्लास आज की. प्रीवियस क्लास के अंदर हमने कितना क्या डिस्कस कर लिया था. इन द प्रीवियस क्लास वी हैव स्टार्टेड द कंपनी. चैप्टर में स्टार्ट कर दिया था इश्यू एंड फोर फीचर्स ऑफ कंपनी. हमने कंपनी की मीनिंग पढ़ ली थी, हमने कंपनी की डेफिनेशंस हमने कंप्लीट कर ली थी, हमने इसके अलावा और क्या कंप्लीट कर लिया था, कंपनी के हमने फीचर्स पढ़ लिए थे, हमने टाइप्स ऑफ कंपनीज देख लिया था, हमने पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी के अंदर डिफरेंस भी कंप्लीट कर लिया था. साथ ही साथ वन मोर टाइप वी हैव स्टडीड एंड दैट वाज वन पर्सन कंपनी. क्लियर. अच्छा, अब आगे हम बात करें, एक सिंपल सी बात हम करें. कंपनी क्या है, हम एक सिंपल सी बात करें कि कंपनी क्या है बेटा, एक फॉर्म ऑफ बिजनेस. कंपनी क्या है, फॉर्म ऑफ बिजनेस. और जब भी हम बिजनेस की बात करते हैं तो बिजनेस को क्या चाहिए, नीड मनी. क्या चाहिए बिजनेस को, पैसा चाहिए. क्यों चाहिए पैसा, बिजनेस को रन करने के लिए, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए. तो हर बिजनेस के पास कुछ ना कुछ अमाउंट रहता ही रहता है, और बिजनेस के पास जो मनी रहती है उसको जनरली हम क्या कहते हैं, कैपिटल. व्हाट वी कॉल इट, वी कॉल इट कैपिटल. बस बात यह है कि कंपनी की जो टोटल कैपिटल है ये कुछ स्मॉल यूनिट्स में डिवाइडेड होती है. स्मॉल यूनिट्स में डिवाइडेड होती है एंड ईच यूनिट इज कॉल्ड अ शेयर. कंपनी की जो टोटल कैपिटल है, कंपनी का पास जो टोटल पैसा है वो कुछ स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड होता है एंड दैट ईच यूनिट इज कॉल्ड अ कैपिटल. और वो हर यूनिट क्या कहलाता है, वो एक शेयर कहलाता है. कोई डाउट है, तो हमारा अगला टॉपिक यही है बेटा, शेयर्स. क्या पढ़ा हमने, शेयर्स. द कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इंटू यूनिट्स ऑफ स्मॉल डिनोमिनेशंस. छोटे छोटे वैल्यूज की कुछ डिनोमिनेशंस में डिवाइडेड है. अच्छा, हर कंपनी की डिनोमिनेशन सेम हो जरूरी नहीं है. जैसे मान लो मेरे पास भी 1,00,000 रुपए और किसी और के पास भी 1,00,000 रुपए. मेरे पास 1,00,000 रुपए 2,000 के नोट है, किसी के पास 500 के नोट है, किसी के पास 100-100 रुपए के नोट है, किसी के पास हो सकता है 50-50 रुपए के नोट में 1,00,000 रुपए हो. तो वो नंबर ऑफ नोट्स क्या होंगे, बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे. उस केस में क्या होगा कि नंबर ऑफ नोट्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे. सभी अमाउंट वो जो है नंबर, टोटल करेंसी सेम है, टोटल वैल्यू 1,00,000 रुपए है, लेकिन वो नंबर ऑफ करेंसी इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगी. तो उसी तरह से लिखा है कि ईच सच यूनिट इनटू व्हिच द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इज कॉल्ड अ शेयर. हर यूनिट क्या कहलाएगी, एक शेयर कहलाएगी. कोई डाउट है यहां तक, बात समझ में आई. टोटल अमाउंट, इसका एग्जांपल भी हमने लिखा. जैसे क्या है कि इन वन कंपनी द टोटल कैपिटल कितनी है, 10,00,000 रुपए. अब अगर ये 10 रुपए वाले शेयर्स में डिवाइडेड है तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे, 1,00,000. इफ टोटल 10,00,000 रुपीज इज डिवाइडेड इन ₹10 ईच शेयर, देन द नंबर ऑफ शेयर्स विल बी 1,00,000. अगर यही 100 रुपए वाले शेयर्स होंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स 10,000. यही शेयर्स ₹1,000 वाले होंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स 1,000. क्लियर है ना. सो इनटू 1,00,000 यूनिट्स ऑफ ₹10 ईच, दस ईच यूनिट ऑफ ₹10 इज कॉल्ड अ शेयर ऑफ ₹10 ईच. एनी डाउट्स, शेयर का एग्जैक्ट मीनिंग समझ में आया. अच्छा, अब जैसा कि हम सबको पता है कि कंपनी को जो फंड चाहिए उस फंड का अरेंजमेंट करने के लिए कंपनी शेयर्स इशू कर सकती है. जो कंपनी शेयर्स इशू करती है उन शेयर्स का नेचर क्या होता है, उन शेयर्स के अगर हम नेचर की बात करें तो उन शेयर्स का नेचर क्या होता है वो अगर हम देखते हैं, समझते हैं, तो सबसे पहला नेचर क्या है, ये कंपनी के जो शेयर्स है ना ये मूवेबल प्रॉपर्टी है. ध्यान रखना, शेयर्स
हमेशा कंपनी की एसेट्स होती है। हाँ, क्या बात कर रहे थे हम कि शेयर जो है वो कंपनी की ही एसेट्स होती है, ध्यान रखना। अगर हमने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं तो हमने उस कंपनी की एसेट नहीं ली है, समझना बात को। शेयर्स क्या है? कंपनी की एसेट है। इस बात को थोड़ा सा कुछ इस तरह से समझना कि मान लो आज हमारे पास कोई घर है, हमें पैसे की जरूरत है, हम बैंक में गए और उस घर को बैंक के पास गिरवी रख के आ गए और हम बैंक से पैसा लेकर आ गए। एसेट किसकी है? हमारी। हमने बैंक को दे दिया, उसके बाद भी एसेट किसकी है? हमारी। बस वो एज ए सिक्योरिटी हमारे पास है। सेम वे में कंपनी को पैसा चाहिए, शेयर्स एसेट किसकी है? कंपनी की। कंपनी ने वो एसेट हमको दे दिया उसका, क्यों? क्योंकि हमने कंपनी को क्या दिया है? पैसा दिया है। हमने क्या दिया है कंपनी को? पैसा दिया है। जिस दिन कंपनी हमको हमारा पैसा रिफंड करेगी, हमको वो शेयर कंपनी को वापस देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा हमें? कंपनी को वो शेयर वापस देना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर इस बात को ध्यान रहे कि जो शेयर्स है वो कंपनी की मूवेबल प्रॉपर्टी है। मूवेबल प्रॉपर्टी और नॉन मूवेबल में एक डिफरेंस पता होगा, बिल्डिंग इज ए नॉन मूवेबल बट शेयर्स आर मूवेबल, मतलब ये एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर हो सकते हैं। ट्रांसफरेबल, अच्छा, इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। हमने कल भी पढ़ा था, कंपनी अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन प्रिपेयर करती है। क्या मतलब है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का? कंपनी के इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस। कंपनी के जो भी इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसके अंदर कंपनी ने जो मेंशन कर दिया, बस उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, कंपनी अपने शेयर्स को इश्यू कर सकती है। क्लियर? एक तरफ तो हमने क्या माना है इसको, एसेट, फिक्स्ड एसेट की तरह देख रहे हैं। दूसरी तरफ कंपनी की जो शेयर्स है इनको गुड्स भी माना जाता है अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। थोड़ा सा एक बात समझाते हैं आपको कि आज हम दुनिया में कोई भी चीजें खरीदते बेचते हैं, कोई भी सामान खरीदते बेचते हैं, उस सामान को खरीदने बेचने के संबंध में अगर किसी भी तरह की कोई भी समस्या आती है तो उस दौरान जो हमारे पर एक्ट एप्लीकेबल होता है, जिस एक्ट के थ्रू हमको रिलीफ मिलेगा, वो एक्ट कौन सा है? सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। इसमें कम वजन देना, डुप्लीकेट चीज देना, वो सब उसके कंप्लेंट वगैरह हम इसी एक्ट के थ्रू करते हैं। तो कंपनी के शेयर्स को इस एक्ट के अंदर क्या माना गया है? गुड्स भी माना गया है। इनको खरीदा जा सकता है, इनको बेचा जा सकता है, इनको हाइपोथिकेटेड का मतलब है एक चीज के बदले दूसरी चीज लेना, वो भी किया जा सकता है। शेयर्स के बदले हम कुछ और ले सकते हैं। कई बार लोग होते हैं बिल्डिंग के बदले शेयर्स इशू कर दिए जाते हैं। आगे हम पढ़ेंगे इशू ऑफ शेयर्स कंसिडरेशन ऑफ अदर देन कैश, या इनको बिक्यूई थेटेड, मतलब अगर आप कोई लोन वगैरह पे कर रहे हो उस लोन की वजह जगह क्या कर रहे हो, आप इन शेयर्स को इश्यू कर दे रहे हो। ठीक है, तो ये सब काम इन शेयर्स के थ्रू किया जा सकता है। क्लियर? तो ये तो हो गया बेटा आपका क्या, शेयर्स के नेचर्स। आगे हम बात करें शेयर्स के टाइप्स कितने होते हैं। सेक्शन ध्यान रखना 43, कंफ्यूज मत होना। सेक्शन 43 हमने कहां पढ़ा है? पार्टनरशिप के डिसॉल्यूशन में भी पढ़ा है, लेकिन वो सेक्शन 43 था किसका? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का। अभी हम सेक्शन 43 किसका पढ़ रहे हैं? इंडियन कंपनी एक्ट 2013 का। तो ये सेक्शन 43 क्या कहता है हमसे कि कंपनी दो तरह के शेयर्स इशू कर सकती है। हाउ मेनी टाइप ऑफ शेयर्स कैन बी इशूड बाय द कंपनी? टू टाइप्स। कौन कौन से? प्रिफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स। पढ़े थे लास्ट ईयर प्रिफरेंस शेयर्स। क्या स्पेशलिटी है प्रिफरेंस शेयर्स की? इनको प्रेफरेंस दिया जाता है। ये बोला ना आपने, बात सही है लेकिन पूरी सही नहीं है। प्रेफरेंस शेयर्स वो होते हैं जिनके पास दो प्रेफरेंशियल राइट होते हैं। मुझे लगा गंगापुर पहले जा सकते हैं ये। हाँ, ओके।
और ध्यान देना, कोई भी शेयर होल्डर है, शेयर होल्डर क्या करेगा, कंपनी को प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट का एक हिस्सा शेयर होल्डर्स को दिया जाता है और वो प्रॉफिट का पार्ट, द पार्ट ऑफ प्रॉफिट गिवन टू शेयर होल्डर्स इज नोन एज डिविडेंड. क्या कहलाता है वो? डिविडेंड. क्लियर? हम इसको एक छोटा सा एग्जांपल से समझते हैं. फॉर एग्जांपल, कंपनी को एक क्या हुआ, टोटल प्रॉफिट हुआ, हमने एग्जांपल के रूप में ले लिया, कंपनी को टोटल 10 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ. इस प्रॉफिट में से सबसे पहले इंटरेस्ट पे किया जाएगा. क्या पे किया जाएगा बेटा? इंटरेस्ट. आपने जहां भी लोन लिया हुआ है वो इंटरेस्ट टोटल पे किया जाएगा. मान लिया हमने कि टोटल इंटरेस्ट जो था वो 2 लाख रुपए था, तो कंपनी के पास अब प्रॉफिट कितना अवेलेबल है? 8 लाख का. कंपनी के पास प्रॉफिट कितना अवेलेबल है बेटा? 8 लाख का. क्लियर है यहां तक? इस इंटरेस्ट को पे करने के बाद अब जो प्रॉफिट बचेगा उसके ऊपर टैक्स दिया जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, टैक्स की रेट हमने मान ली 50%, तो 4 लाख रुपए टैक्स दे दिया. तो अब ये प्रॉफिट बचा, ये प्रॉफिट क्या कहलाएगा? प्रॉफिट अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर्स. क्या कहलाएगा बेटा ये? प्रॉफिट अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर्स. ये पूरा प्रॉफिट 4 लाख रुपए किसके लिए अवेलेबल है? शेयर होल्डर्स के लिए प्रॉफिट अवेलेबल है. क्लियर है यहां तक? अब हमने यहां पर सिर्फ शेयर होल्डर लिखा है, कौन से शेयर होल्डर वो नहीं लिखा है हमने. अर्थात ये प्रॉफिट इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी मिलेगा और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी मिलेगा. अब बात क्या है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड मिलेगा ना, प्रॉफिट का जो हिस्सा मिलेगा 4 लाख में से उनको जो भी मिलेगा, उनको मिलने वाले डिविडेंड की रेट फिक्स होती है. क्या होती है उनको मिलने वाले डिविडेंड की रेट? उनको फिक्स रेट से डिविडेंड दिया जाता है. और उसके बाद जो बच गया वो पूरा किसका है? इक्विटी शेयर होल्डर्स का. अब वो चाहे कितना भी बचो, चाहे कितना भी बचो. इस हिसाब से हम ये बात समझते हैं यहां पर कि सबसे पहले डिविडेंड लेने का अधिकार किसको है? प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स को. पहली बात क्लियर अपने लिए. दूसरा, इनके पास प्रिफरेंशियल राइट क्या है कि जब भी कंपनी बंद होगी, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, जब भी कंपनी को क्या किया जाएगा? लिक्विडेट किया जाएगा. जब भी कंपनी को बंद किया जाएगा उस समय क्या करेगी कंपनी? इन शेयर होल्डर्स का पैसा रिफंड करेगी. तो वो जो पैसा रिफंड करेगी ना कंपनी, वो पैसा सबसे पहले किसको रिफंड करेगी? प्रेफरेंस शेयर्स को. और उसके बाद अगर बच गया पैसा तो फिर वो किसको पे किया जाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे किया जाएगा. बात समझ में आई? तो सीधी सी बात अपने को क्या समझ में आ रही है कि इन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास क्या होते हैं बेटा? दो प्रेफरेंशियल राइट्स होते हैं. ध्यान देना, सेक्शन में बड़ा डिफरेंस आता है. सेक्शन 43 किसका है कि साहब कंपनी क्या कहती है कि वो, सेक्शन 43 क्या कहता है कि कंपनी दो तरह के शेयर्स इशू कर सकती है. और सेक्शन 85 क्या कहता है कि प्रेफरेंस शेयर्स इज वन विच कैरीज फॉलोइंग टू प्रेफरेंशियल राइट्स. जिनके पास ये दो प्रेफरेंशियल राइट्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स. आपसे पूछ ले व्हाट डू यू मीन बाय प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स, तो उसका मतलब भी यही है. क्या पूछ ले अगर आपसे कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रेफरेंस शेयर्स, यही है. प्रेफरेंस शेयर मींस द शेयर्स हु हैज द फॉलोइंग राइट्स. कौन कौन से राइट्स? पहला राइट, इट कैरीज प्रेफरेंशियल राइट इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड. इक्विटी शेयर होल्डर से पहले इनको डिविडेंड पे किया जाएगा. दूसरा राइट, इट कैरीज प्रेफरेंशियल राइट इन रिटर्न ऑफ कैपिटल इफ द कंपनी बीइंग वाउंड अप. अगर कंपनी बंद होगी तो पहले इन्हीं को पेमेंट किया जाएगा. क्लियर है यहां तक? कोई डाउट है किसी को? कौन कौन से दो प्रेफरेंशियल राइट्स हैं इनके पास? पहला प्रेफरेंशियल राइट्स पेमेंट रिसीव करने का, और दूसरा प्रेफरेंशियल राइट कैपिटल को पहले लेने का. कब? एट द टाइम ऑफ वाइंड अप ऑफ
कंपनी। कंप्लीट है। कल आया था क्या तू? कल आया था क्लास में? लेट आया होगा। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट है किसी को? चेयर्स बाहर रखी होंगी। ठीक है ना यहाँ तक? अब क्या है आपका अगला टॉपिक? टाइप्स ऑफ प्रिफरेंस शेयर्स। प्रिफरेंस शेयर्स हमारे यहां पर 8 टाइप के बताए गए हैं। इनको आप 4 टाइप में भी लिख सकते हो। कैसे? जैसे 8 टाइप में सबसे पहला था क्यूमुलेटिव, दूसरा नॉन क्यूमुलेटिव। इनको दोनों को एक साथ लिख दो, क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव प्रिफरेंस शेयर्स। अब ये होते क्या है उनके बारे में बात करते हैं। उसके लिए पहले मैं थोड़ी सी कहानी समझो ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना बेटा एग्जांपल को। एग्जांपल ध्यान से समझ जाओगे तो आपको इसमें कभी दिक्कत नहीं आएगी। फॉर एग्जाम्पल हमने 4 ईयर्स लिए, 2019, 2020, 2021 और 2022। हमने ये 4 साल ले लिए बेटा। इन 4 इयर्स में एक कंपनी थी जिसका प्रॉफिट था 2019 में 2 लाख, 2020 में 1 लाख, 2021 में 70,000 और 2022 में 4 लाख। ठीक है ना? कंपनी के पास साथ ही साथ प्रिफरेंस शेयर्स थे। कितने परसेंट? 10% प्रिफरेंस शेयर्स ऑफ रुपीज 8 लाख। कितने के थे बेटा? 8 लाख रुपए के 10% कंपनी के पास प्रिफरेंस शेयर्स थे। तो कंपनी को पर ईयर जो प्रिफरेंस शेयर डिविडेंड बनता है वो कितना बनता है? $80,000। 8 लाख रुपए के प्रिफरेंस शेयर पे 10% डिविडेंड देना है, कितना दिया जाएगा? 80,000। क्लियर? क्या कंपनी 2019 में ये डिविडेंड पे कर देगी? 80,000 पे कर देगी। कितना बचेगा प्रॉफिट? 1,20,000। तो ये 120 किसका है? इक्विटी शेयर्स का। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरे साल में कितना हुआ यहां पर? 1 लाख की जगह हम इसको, यहां पर प्रॉफिट जो है ना 1 लाख की जगह हम 50,000 लिखते हैं। ठीक है? अब बात क्या है कि प्रॉफिट कितना हुआ है? केवल 50,000। अब मुझे बताओ क्या 50,000 के प्रॉफिट में से 80,000 का डिविडेंड दे सकते हैं क्या? क्योंकि ये डिविडेंड है और डिविडेंड कैन बी गिवन ओनली एंड ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट्स। इंटरेस्ट होता तो देना ही पड़ता। अगर यही इंटरेस्ट होता ना तो निश्चित रूप से देना पड़ता, उसमें फिर कोई इफ बट किंतु परंतु नहीं है, क्योंकि वो क्या है? चार्ज है। लेकिन ये तो एप्रोप्रिएशन है। डिविडेंड्स क्या है? एप्रोप्रिएशन है। और भी है कोई बार? हाँ, डिविडेंड्स क्या है बेटा? एप्रोप्रिएशन है। डिविडेंड्स तो केवल प्रॉफिट में से दिए जाएंगे। तो इस केस में प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड कितना मिलेगा? 50,000। इस केस में प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड कितना मिलेगा बेटा? 50,000। और इक्विटी शेयर्स को निल। लेकिन एक बात और समझो कि यहां पर जो प्रिफरेंस शेयर्स का डिविडेंड है 30,000, वो बाकी रह गया। क्या रह गया? वो 30,000 का डिविडेंड उनका बाकी रह गया। क्लियर? बाकी है या नहीं है यहां पर? अब आगे बढ़ते हैं। 2021 में कितना है डिविडेंड? प्रॉफिट कितना है? अब क्या इनको पूरा दे सकते हैं क्या?
प्रिफरेंस शेयर्स को पूरा 70,000 दे देंगे, इक्विटी शेयर्स के लिए बचा नील, और यहां पर 10,000 बाकी तो कब का रह गया 2021 का, और टोटल आउटस्टैंडिंग कितना हो गया, टोटल एरियर कितना हो गया 40,000। कैसे हो गया 40,000 एरियर 2020 का, 30,000 और 10,000 2021 का, अभी हम बाकी मान रहे हैं, है ना। अब 2022 में प्रॉफिट कितना है 4,00,000, तो भैया 80,000 तो दे ही देंगे, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। अब बचा कितना 3,20, क्या ये 3,20 पूरा इक्विटी शेयर होल्डर्स का है, समझना, हाँ समझना बात को ध्यान से, अगर ये पूरा का पूरा 3,20 इक्विटी शेयर होल्डर्स का है तो ये नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है, और अगर इनके पास ये अधिकार है कि हमारे पिछले साल के बाकी डिविडेंड को, ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स जिनके पास ये अधिकार है कि पहले जो डिविडेंड बाकी रह गया उसको वो आगे होने वाले प्रॉफिट में से रिकवर कर सके, मतलब अगर इस साल इनको जैसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड केवल अगर 80,000 ही दिया जा रहा है, केवल कितना दिया जा रहा है केवल, तो ये नॉन क्यूमुलेटिव है, और अगर इनको कितना दिया जा रहा है 80,000 प्लस 40,000 120,000, अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड कितना दिया जा रहा है 120,000, तो ये क्या है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है। तो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स कब होंगे, जब पिछले सालों का अगर किसी ईयर सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है, तो सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं होने की स्थिति में अगर इनको डिविडेंड कम मिलता है, किनको, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, तो वो जो डिविडेंड में कमी लाई है अगर उस कमी को वो आने वाले साल के प्रॉफिट में से रिकवर करने का उनके पास अधिकार हो, मतलब वो एरियर जो है अगर वो उनका एक्यूमुलेट होता हो, एक्यूमुलेट मतलब इकट्ठा होता जा रहा है आगे भविष्य में मिल जाएगा, तो वो क्या कहलाएंगे क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। अगर उनके पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है तो वो क्या कहलाएंगे नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। कोई डाउट है यहां तक, बात समझ में आ गई, तो क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव का मतलब समझ में आ गया हो तो पढ़िए, और अगर कोई डाउट हो बताइए, रीड करिए फटाफट ध्यान से। अगर उनके पास अधिकार है लाने का तो क्यूमुलेटिव, और नहीं है अगर तो नॉन क्यूमुलेटिव, बाकी बकाया एरियर्स मतलब बकाया। क्या लिखा है शेयर्स ऑन विच एरियर ऑफ डिविडेंड, अगर कोई डिविडेंड बाकी है तो वो एक्यूमुलेट होता है, क्या हो जाता है वो इकट्ठा हो जाता है, क्लियर। और क्या लिखा है इट मीन्स इफ द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी इन एनी ईयर आर नॉट सफिशियंट, अगर किसी साल कंपनी के प्रॉफिट्स क्या नहीं है बेटा, सफिशियंट नहीं है, पर्याप्त तो नहीं है टू पे डिविडेंड्स ऑन सच शेयर्स, डिविडेंड नहीं पे कर सकते पूरा, हमने एग्जांपल लिया अभी जैसे 2020 और 2021 में डिविडेंड पे नहीं कर पाए थे पूरा, द डेफिशिएंसी एक्यूमुलेट्स टू बी पेड आउट, तो वो जो कमी है वो इकट्ठी हुई और पे की जाएगी आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ सब्सिक्वेंट ईयर्स, आने वाले सालों में उस कमी को पे किया जाएगा बिफोर पेइंग एनी डिविडेंड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है। जनरली ऑल प्रिफरेंस शेयर्स आर क्यूमुलेटिव प्रिफरेंस शेयर्स, ये भी बात है, अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कुछ लिखा हुआ नहीं है कि ये प्रिफरेंस शेयर्स कैसे हैं, कोई स्पेसिफिकेशन नहीं दिया, केवल क्या लिखा है सब प्रिफरेंस शेयर्स है, तो वो ऑटोमेटिकली क्या माने जाएंगे क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स माने जाएंगे। अगर उनको नॉन क्यूमुलेटिव बनाना है तो आपको आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखना पड़ेगा, तो इसलिए लाइन क्या लिखी है जनरली ऑल प्रेफरेंस शेयर्स आर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड इन कंपनीज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, जब तक कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है तब तक क्या है वो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स ही माने जाएंगे। कोई डाउट है किसी को, कंफर्म, आगे बढ़े, देखिए और क्या है अगला कौन सा है बेटा नॉन
क्यूमुलेटिव प्रिफरेंशियल, इसको भी रीड कर लो फटाफट। इन केस ऑफ दीज शेयर्स ओनली डिविडेंड इज पेबल इन प्रायोरिटी टू इक्विटी शेयर होल्डर्स आउट ऑफ नेट प्रॉफिट ऑफ ईच ईयर। यहां पर प्रायोरिटी किसकी है? इक्विटी शेयर होल्डर्स की। पिछला साल का कोई बाकी है तो वो उनको नहीं दिया जाएगा। दी शेयर्स डू नॉट हैव द प्रिविलेज ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ द अनपेड और एरियर्स ऑफ डिविडेंड। उनके पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है। इफ डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर्ड इन एनी ईयर ऑन सच शेयर्स इट लैप्सेस। नहीं दिया है तो वो लैप्स हो जाएगा, आगे पे नहीं किया जाएगा। लैप्स होने का मतलब कि आगे नहीं मिलेगा। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट नहीं है किसी को? चलिए अब एक और अपन एग्जांपल लेते हैं, ध्यान देना। अब एक बात को बहुत ध्यान से समझना। मैंने लास्ट ईयर भी आपको ये बात समझाई थी, मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने समझाई थी। अभी मैं सेम एग्जांपल लूंगा जो लास्ट ईयर लिया था आपके लिए मैंने। अब आपको कितनों बच्चों को वो याद आता है वो एक अलग बात है। मैंने एग्जाम्पल लिया था कि क्रिश का एग्जाम्पल लिया था कि मान लो क्रिश की 12वीं पास होते ही 1,00,000 रुपए महीने की नौकरी लग जाए, ठीक है ना? याद है ना? अब नौकरी लग गई, क्वालिफिकेशन नहीं है, क्वालिटी नहीं है, फिर भी ये मिल गई। अगर ऐसे केस में भी मतलब उसको भी पता है कि खुद को सेल्फ अंदर से पता है कि मेरी इस वक्त स्थिति 12th पास व्यक्ति है, तो उसको भी ये पता है कि मेरी स्थिति अभी सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपए महीने की ही है, मुझे अभी इतना ही पेमेंट मिलना चाहिए, लेकिन फिर भी किसी कंपनी ने उसको 1,00,000 रुपए महीने पे रख लिया और दूसरे महीने उसको डिमोट करके 50,000 रुपए ला दिया। उसको अंदर से क्या पता है कि मेरी स्थिति क्या है? 10,000 की। मुझे एक महीने एक का 1,00,000 रुपए मिल चुका है। अब अगर मेरी स्थिति अगर 10,000 की है, मुझे सेल्फ ये पता है, तो अगले 10 महीने मुझसे फ्री में काम करवाए ना, तो भी मैं घाटे में नहीं हूं मेरी क्वालिफिकेशन के हिसाब से। उसको पता है ये बात, लेकिन फिर भी उसके अगले महीने 50,000 रुपए करने के बावजूद भी उसकी खुद की स्थिति के हिसाब से तो 5 गुना अभी भी सैलरी ज्यादा है ना, फिर भी उसको बुरा लगेगा, एक कॉन्फिडेंस लूज होगा। होगा नहीं होगा? क्यों? क्योंकि नीचे आना, लाइफ में नीचे आना, ऊपर से नीचे आना नहीं, ऊपर से ऊपर नीचे तो आना जाना ही पड़ता है ना, छत से तो नीचे आना ही पड़ेगा, हवा में रह नहीं सकते। लेकिन लाइफ में इसको कहते हैं डिमोट होना। डिमोशन किसी को भी अच्छा नहीं लगता है, किसी को भी नहीं लगता अच्छा। डिमोशन हमेशा क्या लगते हैं? बेकार ही लगते हैं। क्लियर है ये चीज? अच्छा, अब डिमोशन अच्छे नहीं लगते तो भैया एक चीज बताओ, हम बात करें किसकी? इक्विटी शेयर होल्डर्स। हमने अभी अभी बात की कि प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट देने के बाद जो प्रॉफिट बचा वो पूरा किसका है? इक्विटी शेयर होल्डर्स का। क्लियर? अब एक बात समझो कि मान लो एक कंपनी के पास 10,00,000 रुपए के तो प्रिफरेंस शेयर्स हैं जिनके ऊपर डिविडेंड की रेट 10% है, और कंपनी के पास 10,00,000 रुपए की क्या है बेटा? इक्विटी शेयर्स है। 10,00,000 रुपए की क्या है कंपनी के पास? अब किसी पर्टिकुलर ईयर में, फर्स्ट ईयर में मान लो कंपनी का प्रॉफिट 2,00,000 रुपए हुआ, या 2,00,000 की जगह अपन इसको 3,00,000 रुपए लिख लेते हैं। कितना हुआ है बेटा कंपनी का प्रॉफिट? 3,00,000 रुपए का प्रॉफिट होता है। अब इस 3,00,000 में से ऑब्वियस ही बात है कि 1,00,000 रुपए तो किसको मिल जाएगा? प्रिफरेंस शेयर्स को, और 2,00,000 रुपए किसको मिल जाएंगे? इक्विटी शेयर्स को। अब यहां पर कंपेयर करें तो इक्विटी शेयर्स को 20% रिटर्न मिल गया, 10,00,000 रुपए के ऊपर 2,00,000 रुपए मिल गए ना, कितना रिटर्न मिल गया? 20%। क्लियर? सेकंड ईयर में आए और सेकंड ईयर में कंपनी का प्रॉफिट मान लो 6,00,000 रुपए हो गया, कितना हो गया? 6,00,000 रुपए। ठीक है, अब 6,00,000 रुपए प्रॉफिट होते ही 1,00,000 तो इक्विटी शेयर्स को, प्रिफरेंस शेयर्स को दे दिया, इक्विटी शेयर्स के लिए कितना बच गया? 5,00,000। इक्विटी शेयर्स के लिए कितना बच गया? तो यहां पर प्रॉफिट की रेट क्या हो गई? 50%। इक्विटी शेयर्स के लिए डिविडेंड की रेट क्या हो गई? 50%।
अब थर्ड ईयर में क्या हुआ कि प्रॉफिट वापस 3 लाख रुपए रह गया, 1 लाख इनको, 2 लाख इनको, इक्विटी शेयर्स को 20% हो गया बेटा। लेकिन यहां पर जैसे ही 50 से 20 मिलेगा ना, इक्विटी शेयर होल्डर्स के मन में डिससेटिस्फेक्शन आएगा। क्यों? क्योंकि उनको आदत किसकी है, 50% एक बार मिल चुका है, और जैसे ही डिविडेंड 50% से 20% आएगा ना, मार्केट में उस शेयर की वैल्यू गिर जाएगी। पिछले साल तो कितना दिया था, 50%, इस साल डिविडेंड 20% होते ही क्या होगी, मार्केट में शेयर की वैल्यू गिर जाएगी और कंपनी को इससे नुकसान होगा। मैं आपको सर, कल तो आपने कहा था शेयर की वैल्यू गिरने से ना, आया ना दिमाग में, शेयर की वैल्यू गिरने से कंपनी को नुकसान नहीं होता। मैंने कल कहा था कंपनी को कोई इकोनॉमिकल लॉस नहीं होता, फाइनेंशियल लॉस नहीं होता, पैसे का कोई नुकसान नहीं है, लेकिन कंपनी की ब्रांड वैल्यू, इमेज, उन पर बहुत फर्क पड़ता है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां उसके साथ बिजनेस करती है, ऐसे लोग जो उसी कंपनी में शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वो उस कंपनी के अंदर और इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो कंपनी के पास और पैसा नहीं आएगा। ठीक है, जो आ गया वो नहीं डूबेगा, लेकिन और पैसा नहीं आएगा। इसके अलावा जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं ना, वो सब कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं। आज हम रिलायंस की बात करें तो रिलायंस का मालिक किसको कहते हैं, हम अंबानी को कहते हैं, मुकेश अंबानी को। आज मान लो मेरे पास रिलायंस के शेयर है तो मालिक तो मैं भी हूं, लेकिन सबसे ज्यादा शेयर्स उसके पास है, सबसे ज्यादा शेयर्स उसके पास है। अब शेयर्स की वैल्यू गिरेगी, जैसे मान लो 1000 रुपए शेयर की वैल्यू है, मेरे पास 10 शेयर है तो 10,000 रुपए रहेगी वैल्यू, तो रिलायंस को नुकसान नहीं है, लेकिन उस शेयर की वैल्यू जैसे 900 रुपए रह जाएगी ना, तो जो 1000 रुपए का नुकसान होगा वो मुझे तो होगा ना। ऐसे उसके पास तो हजारों करोड़ रुपए के शेयर है, एक शेयर की वैल्यू 100 रुपए कम होने पर उसको कितना नुकसान होगा, करोड़ ऑफ रियल, मिलियंस ऑफ करोड़, एक दिन में क्या होती है, वैल्यू चेंज हो जाती है। तो इस तरह से नुकसान होता है, इस तरह से फर्क पड़ता है, कंपनी की इमेज पे फर्क पड़ेगा। अब ये रीजन समझ में आया आपको यहां पर एक। अब क्या कि ऐसी स्थिति कोई भी कंपनी नहीं चाहती कि किसी भी कंपनी के जो शेयर होल्डर्स है ना, वो उस कंपनी के अंदर डिस्ट्रस्ट रखें या इन कारणों की वजह से क्या करें, डिससेटिस्फेक्शन हो। तो कंपनी क्या करती है इस स्थिति में, एक पॉलिसी अडॉप्ट करती है और उस पॉलिसी का नाम है डिविडेंड इक्विलाइजेशन पॉलिसी। क्या नाम है उसका, डिविडेंड इक्वलाइजेशन पॉलिसी। इस पॉलिसी का मतलब क्या है कि हमको पता है कि भाई प्रिफरेंस शेयर्स पे तो डिविडेंड की रेट फिक्स सही सही, लेकिन इक्विटी शेयर्स पे डिविडेंड की रेट फिक्स नहीं होती है ना, लेकिन कंपनी क्या करेगी, इक्विटी शेयर्स पे भी डिविडेंड की रेट फिक्स कर देगी। फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने यहां पर डिविडेंड की रेट फिक्स कर दी 20%, कितनी फिक्स कर दी। अब 20% अगर फिक्स कर दिया जाएगा डिविडेंड की रेट को, ध्यान देना, तो अब हम इसी में सेकंड केस पढ़ रहे हैं। अगर 20% डिविडेंड की रेट को फिक्स कर दिया गया तो अब मुझे बताओ कि सेकंड कंडीशन में कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड कितना देगी, 2 लाख, क्योंकि फिक्स है, तो कंपनी के पास रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बच गया, 3 लाख। ये कंपनी ने अपने पास उठा के क्यों रखा, कि हो सकता है यहां पर फोर्थ ईयर आ जाए जहां पर कंपनी का जो प्रॉफिट है वो मान लो 2 लाख रुपए ही रह जाए, सॉरी 1 लाख रुपए ही रह जाए, तो ये 1 लाख तो पूरा किसका मिल जाएगा, तो डिविडेंड प्रिफरेंस शेयर्स को मिल जाएगा, तो इक्विटी शेयर्स को क्या मिला, नील। तो नील वाली स्थिति रखो ही मत, ये उठा के रख रखा था ना पैसा, इस पैसे में से यहां पर 2 लाख रुपए दे देंगे ताकि किसी भी शेयर होल्डर को डिससेटिस्फेक्शन, डिस्ट्रस्ट वाली स्थिति नहीं आए। क्लियर, ये तो एक कंसेप्ट समझ में आया आपको। अच्छा, अब यहां पर हम बात कर रहे हैं, ये मेरे को कंसेप्ट समझाना इसलिए जरूरी था, हालांकि जो टाइप ऑफ शेयर बताऊंगा प्रिफरेंस शेयर उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें सीधी सी बात है कि इक्विटी शेयर प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स और इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने के बाद भी अगर कोई डिविडेंड बच जाए, जब इसमें ये लाइन बोलते हैं ना हम, तो उसके पहले हम क्या बना रहे हैं कि भैया पहले डिविडेंड प्रिफरेंस शेयर्स को, जो बच गया वो पूरा किसको,
इक्विटी शेयर्स को। फिर उसके बाद जब ये लाइन बोली जाती है कौन सी कि प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स को डिविडेंड देने के बाद अगर कोई प्रॉफिट बच जाए तो वहां कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि भैया जब पूरा बच गया अगर वो पूरा इक्विटी शेयर्स को दे दिया तो फिर तो बचेगा ही क्यों, तो बचेगा इसलिए। अब ये कंसेप्ट क्लियर है आपको कि कौन सी स्थिति में प्रॉफिट बच सकता है, जब कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी फिक्स रेट से डिविडेंड देने का डिसीजन ले। बच गया पैसा 3 लाख। अब अगर कुछ प्रेफरेंस शेयर्स ऐसे हैं जिनके पास इस बचे हुए प्रॉफिट में से पार्टिसिपेट करने का अधिकार है, मतलब इस 3 लाख में से कुछ हिस्सा अगर उनको लेने का अधिकार है, तो वो तो कहलाएंगे पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। क्या कहलाएंगे वो? पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। और जिनके पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है वो क्या कहलाएंगे? नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। आई जस्ट होप सबको क्लियर होगी ये बात। पढ़िए पढ़िए आगे पढ़िए। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स और नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। सिंपल सी बात लिखी है, दीज आर सच शेयर्स विच कैरी द राइट ऑफ शेयरिंग सरप्लस प्रॉफिट, शेयरिंग सरप्लस प्रॉफिट, जो कि सरप्लस प्रॉफिट में उनको हिस्सा चाहिए। कौन सा सरप्लस प्रॉफिट? लेफ्ट आफ्टर पेइंग प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स डिविडेंड्स एट स्पेसिफाइड रेट्स। प्रेफरेंस शेयर्स को तो स्पेसिफाइड रेट से देना ही देना है, इक्विटी शेयर्स को भी अगर स्पेसिफाइड रेट से डिविडेंड दिया है उसके बाद जो पैसा बच गया अगर उसमें इनको पार्टिसिपेट करने का अधिकार है तो क्या कहलाएंगे बेटा? पार्टिसिपेटिंग। और अगर ऐसा अधिकार नहीं है तो द शेयर्स विच डू नॉट कैरी द राइट ऑफ शेयरिंग द सरप्लस लेफ्ट आफ्टर पेइंग इक्विटी डिविडेंड आर नोन एज नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। क्लियर? अच्छा आगे बात करें, आज मान लो किसी कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर इश्यू किए तो क्या भविष्य में कंपनी ऐसा कर सकती है क्या उन प्रेफरेंस शेयर्स को आगे जाकर इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर दे? अगर ऐसा हो सकता है, अगर वो प्रेफरेंस शेयर्स के पास ये अधिकार है कि वो भविष्य में इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं तो वो क्या कहलाएंगे? कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। अगर उनके पास ऐसा अधिकार नहीं है तो क्या कहलाएंगे? नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, तो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या होंगे? द शेयर्स विच कैन बी कन्वर्टेड इंटू इक्विटी शेयर्स आफ्टर अ पर्टिकुलर पीरियड इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ इश्यू आर कॉल्ड एज कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। एंड द शेयर्स विच डोंट कैरी राइट्स ऑफ कन्वर्जन इंटू इक्विटी शेयर्स आर नोन एज नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है? कितने लोग रिडम्पशन का मतलब जानते हैं? देखो इश्यू और रिडम्पशन दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। इश्यू का मतलब कंपनी ने गिवन शेयर्स किसको? टू पब्लिक। और पब्लिक ने क्या किया है? गिवन मनी किसको? टू कंपनी। इशू का मतलब यही है ना, कंपनी ने पब्लिक को शेयर्स दे दिए और पब्लिक ने क्या दे दिया? कंपनी को पैसा दे दिया। ये तो हो गया इशू। रिडम्पशन इसका बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। रिडम्पशन का मतलब जिसने जो दिया है वो वापस ले लेंगे अपना अपना। कंपनी ने क्या दिया था? कंपनी अपने शेयर्स वापस ले लेगी और पब्लिक को उसका पैसा लौटा देगी। तो क्या प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करना कंपलसरी है? तो इसके बारे में हम बात पढ़ते हैं कि ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स
जिनका एक निश्चित समय के बाद रिडम्पशन होना कंपलसरी है, एक निश्चित समय ही है उनका, मतलब प्रिफरेंस शेयर्स आर नॉट इश्यूड फॉर लाइफ टाइम, प्रिफरेंस शेयर्स को एक निश्चित समय के लिए ही इश्यू किया जा सकता है। एक निश्चित समय के बाद कंपनी को क्या करना पड़ेगा, उन प्रिफरेंस शेयर्स को तो वापस ले लेगी और पब्लिक को उसका पैसा लौटा देगी। अगर ये मैंडेटरी है तो वो क्या कहलाएंगे, रिडीमेबल प्रिफरेंस शेयर्स। और अगर कंपनी के ऊपर ऐसी बाउंडेशन नहीं है, एक वंस इशूड विल बी रिडीम्ड एट द टाइम ऑफ वाइंड अप विद इक्विटी शेयर्स, वो क्या कहलाएंगे, इरिडीमेबल प्रिफरेंस शेयर्स। तो क्या इंडिया में इरिडीमेबल प्रिफरेंस शेयर्स इशू करना अलाउड है? नहीं, इंडिया में इरिडीमेबल प्रिफरेंस शेयर्स इशू करना अलाउड नहीं है। इंडिया में मैक्सिमम 20 ईयर्स, कितने ईयर्स मैक्सिमम, विद मैक्सिमम 20 ईयर्स के अंदर अंदर प्रिफरेंस शेयर्स को रिडीम करना कंपलसरी है। मतलब 20 साल अधिकतम इशू कर सकते हैं और 21st ईयर से उनको रिडीम करना जरूरी है। हाँ, ये जरूर है कि कुछ कंपनीज को ये थोड़ी सी फैसिलिटी दी गई है कि 21 ईयर में कुछ ना कुछ रिडम्पशन होगा, कम से कम 10% होगा ही होगा, तो वो ऐसे 30 साल खींच सकते हैं टोटल, हर साल 10% रिडीम कर सकते हैं 21st ईयर से। तो मैक्सिमम टाइम पीरियड इन एनी केस कितना होगा, 30 ईयर्स, तो 20 साल फॉर 100%, लेकिन 21st ईयर में 100% शेयर्स नहीं रह सकते, वो 90 रहेंगे इस निश्चित रूप से, 90 से ज्यादा भी नहीं रह सकते। तो इंडिया में फॉर लाइफ टाइम क्या नहीं कर सकते, शेयर प्रिफरेंस शेयर्स को इरिडीमेबल इशू नहीं कर सकते। क्लियर? तो रिडीमेबल इरिडीमेबल का डिफरेंस समझ में आया? देखिए ये कौन सा है बेटा, रिडीमेबल प्रिफरेंस शेयर्स। क्या लिखा है, दो शेयर्स द कैपिटल ऑफ विच इज रिफंडेड बाय द कंपनी आफ्टर अ स्पेसिफाइड ड्यूरेशन, एक निश्चित समय के बाद जो पैसा वापस रिफंड कर दिया जाएगा पब्लिक को, क्या कहेंगे बेटा, वो रिडीमेबल प्रिफरेंस शेयर्स। द रिडम्पशन ऑफ सच शेयर्स इज मेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 55 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। अब रिडम्पशन कैसे करना है, इसके लिए कंपनी एक्ट के कौन से सेक्शन में, 55 में हमको जानकारी दी गई है। क्लियर है यहां तक? इरिडीमेबल प्रिफरेंस शेयर्स कौन से होंगे बेटा, सच शेयर्स सच शेयर्स द कैपिटल ऑफ विच कैन नॉट बी रिफंडेड बिफोर वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, जब तक कंपनी बंद नहीं होगी तब तक उसको रिडीम रिफंड नहीं किया जाएगा। इन अदर वर्ड्स दीज शेयर्स कैन बी रिडीम ओनली इन द इवेंट ऑफ कंपनीज लिक्विडेशन। मीनिंग तो समझ में आ गया, ये मीनिंग यहीं तक है, उसके बाद तो क्या है कि इंडिया में अलाउड है या नहीं। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 55 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, नो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स शैल इश्यू एनी प्रिफरेंस शेयर्स विच इज इरिडीमेबल। कोई भी कंपनी ऐसे प्रिफरेंस शेयर इश्यू नहीं कर सकती जो क्या हो, इरिडीमेबल प्रिफरेंस शेयर्स हो, और इज रिडीम्ड आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 20 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू, या जिनका 20 साल के बाद रिडम्पशन हो रहा हो। ठीक है, 20 साल के बाद का मैंने तरीका बता दिया, 21वें साल में कम से कम 10% रिडम्पशन होना जरूरी है। यही सेम चीज आपके डिबेंचर्स के ऊपर भी एप्लीकेबल होती है, जब हम डिबेंचर्स पढ़ेंगे वहां भी ये चीज आएगी, डिबेंचर्स भी रिडीमेबल इरिडीमेबल जब पढ़ेंगे टाइप में, तो रिडीमेबल मतलब जिनको रिडम्पशन करना जरूरी, इरिडीमेबल मतलब जिनका रिडम्पशन नहीं होगा, तो लेकिन डिबेंचर्स का भी वही 20 ईयर्स का सेम फंडा एप्लीकेबल होता है। कह रहे हैं तक कंफर्म, ये सब हो गए बेटा हमारे कौन से टाइप्स ऑफ प्रिफरेंस शेयर्स। हमने दो टाइप पढ़े थे, पहला कौन सा था, प्रिफरेंस शेयर्स, तो प्रिफरेंस शेयर हमारा यहां पर कंप्लीट है। आगे हम बात करें किसके बारे में, इक्विटी शेयर्स के बारे में। इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, इक्विटी शेयर्स आर दो शेयर्स विच आर पेड डिविडेंड ओनली व्हेन प्रॉफिट्स आर लेफ्ट आफ्टर द प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स हैव बीन पेड। प्रिफरेंस शेयर्स को पे करने के बाद अगर कोई प्रॉफिट बच गया तो उसमें से जो डिविडेंड जिसको दिया जाता है वो क्या कहलाते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स कहलाते हैं। क्लियर, इनके पास कोई प्रिफरेंशियल राइट्स नहीं है। दूसरा, देयर विल बी नो फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड, जबकि प्रिफरेंस शेयर्स पर डिविडेंड की रेट क्या थी, फिक्स्ड थी।
इसलिए जब भी हम प्रेफरेंस शेयर पढ़ेंगे ना, उसके आगे हमेशा एक परसेंटेज लगा होगा, 14% प्रेफरेंस शेयर्स, 18% प्रेफरेंस शेयर्स, 20% प्रेफरेंस शेयर्स, वो जो रेट लगी हुई है ना परसेंट, वही उनकी डिविडेंड रेट होती है। उसके बाद इफ इन अ पर्टिकुलर ईयर देर आर नो प्रॉफिट्स और सफिशियंट प्रॉफिट्स, अगर इनसफिशियंट प्रॉफिट्स, अगर किसी पर्टिकुलर में प्रॉफिट ही नहीं है या प्रॉफिट बिल्कुल कम है, तो इनको कुछ नहीं मिलेगा। किसको नहीं मिलेगा? इक्विटी शेयर, इनके पास वो क्यूमुलेटिव एक्युमुलेटिव वाला कोई इनके पास वो अधिकार भी नहीं होता है। इफ द कंपनी अर्न्स मोर प्रॉफिट, अगर कोई बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो गया तो इनकी फिर डिविडेंड रेट बहुत ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है ना। आगे एज रिगार्ड्स रिटर्न ऑफ कैपिटल, अगर कैपिटल रिटर्न की बात करें तो कब दिया जाएगा कि जब प्रिफरेंस शेयर्स को कैपिटल रिफंड हो जाएगी, उसके बाद अगर कुछ बच गया तो वो किसको दे दिया जाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स को उनमें से दे दिया जाएगा। ओके, एज रिगार्ड्स रिटर्न ऑफ कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल इज रिटर्न्ड ओनली व्हेन प्रिफरेंस शेयर कैपिटल इज रिटर्न्ड फुल। प्रिफरेंस शेयर्स कैपिटल को पे करने, सिंपल सी बात है ना, जो हमने प्रिफरेंस शेयर्स के राइट्स पढ़े उन राइट्स को रिवर्स कर दो तो क्या बन जाएंगे? वो इक्विटी शेयर होल्डर्स बन जाएंगे। इंपॉर्टेंट, इक्विटी शेयर होल्डर्स है वोटिंग राइट्स एंड कंट्रोल द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कंपनी के एक्चुअल ओनर्स जो माना जाता है ना, वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को ही माना जाता है। कौन होते हैं कंपनी के एक्चुअल ओनर्स? इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द एक्चुअल ओनर्स ऑफ द कंपनी। क्लियर? आगे बढ़े, कन्फर्म? क्या लिखा है ध्यान दीजिए। अब हम बात करें कि भाई प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स। अगर हम इनमें डिफरेंस की बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं रेट ऑफ डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर्स पर डिविडेंड की रेट क्या होती है बेटा? जबकि इक्विटी शेयर्स पर डिविडेंड की रेट नॉट फिक्स्ड, फिक्स नहीं होती है। आगे हम पढ़े कि एरियर्स ऑफ डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड का जो एरियर है वो क्यूमुलेट एक्यूमुलेट हो सकता है ना, कौन से केस में? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स के केस में, और जनरली प्रेफरेंस शेयर्स वही होते हैं, लेकिन इक्विटी शेयर्स में एक्यूमुलेट नहीं होता है, नहीं मिला तो नहीं मिला, ठीक है ना। प्रेफरेंशियल राइट्स डिविडेंड के रिगार्डिंग किसके पास होता है? इक्विटी शेयर्स के पास होता है क्या? नहीं होता है। कैपिटल को रिटर्न, कैपिटल पेमेंट के रिगार्डिंग प्रेफरेंशियल राइट किसके पास होता है? इक्विटी शेयर्स के पास नहीं होता है। वोटिंग राइट्स किसके पास होते हैं? इक्विटी शेयर्स के पास, प्रेफरेंस शेयर्स के पास नहीं होते हैं। राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, बिजनेस की मैनेजमेंट एक्टिविटीज में कौन पार्टिसिपेट कर सकता है? इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। क्लियर? कोई भी डाउट है किसी को यहां तक? कंफर्म? ये हमारा कौन सा टॉपिक कंप्लीट हो गया बेटा? शेयर्स। नेक्स्ट क्लास में जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे मैडम शेयर कैपिटल, लेकिन उसको डिस्कस करने से पहले मैं कुछ चीजें आपसे, आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। एक बात को समझेंगे हम पहले, ताकि हम जब नेक्स्ट क्लास शुरू करें तो वो चीजें आपको समझ में आ जाए। एक बात बताऊं, हम एग्जांपल लेते हैं कि मान लो आपके पास हीरो बाइक का शोरूम है, क्या है आप लोगों के पास? हीरो बाइक का शोरूम है, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब हीरो बाइक का शोरूम है, हीरो कंपनी थोड़ी है तुम्हारी। फेस्टिवल सीजन चल रहा है, ऊपर से ऑर्डर आया, हमने कंपनी को कहा कि भाई हमको, हमारे को गाड़ियां भेजो, जैसे एक पर्टिकुलर गाड़ी का एग्जांपल लेते हैं, स्प्लेंडर है ना, हीरो की सबसे फेवरेट गाड़ी कौन सी है? स्प्लेंडर। आजकल तो एक और आया ना इसका, कोई नया मॉडल है, प्रो, प्रो प्लस ऐसे कुछ आया है ना, स्प्लेंडर प्रो ले लेते हैं, अभी नया वर्जन लॉन्च हुआ है इसका। अब बातें नहीं बेटा, ध्यान से समझो, बात समझना कि आपने कंपनी, मतलब कंपनी ने आपसे कहा कि हम आपको, कंपनी ने मतलब हीरो ने, हीरो मोटोकॉर्प्स ने आपने कहा, आप शोरूम ओनर हो, आपके पास आया कि उन्होंने आपके पास 1000 बाइक्स भेज दी,
कितनी बाइक्स बेच दी? तो क्या आप 1000 से ज्यादा बाइक बेच सकते हो क्या अपने शोरूम में? हीरो मोटर कॉर्प्स ने आपको 1000 बाइक्स अलॉट किया आपके शोरूम को, तो आपके पास कितनी बाइक्स है? तो क्या आप 2000 बाइक्स बेच सकते हो क्या? 2000 छोड़ो, क्या आप 1000 एक भी बेच सकते हो क्या? आप बस मान लो खरीदने वाले आ गए, ज्यादा आ गए, बाइक्स तो आपको 1000 मिली है हीरो मोटोकॉर्प से, और उसी टाइम पीरियड में आपके पास खरीदने वाले मान लो 1500 लोग आ गए, तो क्या 1500 लोगों को बाइक दे दोगे क्या? आप संभव है क्या? नहीं है ना। तो ये क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ बाइक्स है जो कि आप सेल कर सकते हो। क्लियर? एक बात समझ में आई? इसके आगे आप याद रख लेना ऑथोराइज्ड, है ना, इस तरह से वर्ड्स को याद रखना। इस एग्जांपल को जरूर घर से कल आओ जब रिवाइज करके आना, चाहे वीडियो में देख के आना पूरा एग्जांपल, साथ में जो लिख रहा हूं ऐसे कैसे समझ में आना, क्योंकि कल इसी में पुट करूंगा आगे की चीजें में, ठीक है ना, इसी एग्जांपल में। बात क्लियर? अच्छा, अब आपने 1000 बाइक्स आपके पास है, अब आपको ये बेचनी है, क्या करोगे बेचने के लिए? पब्लिक को बताना तो पड़ेगा, और आपने पब्लिक को यह भी बता दिया कि भाई हमारे पास 1000 बाइक्स ही है बेचने के लिए। आपने फॉर एग्जांपल पेपर में ऐड दे दिया, क्या पेपर में ऐड दिया कि मतलब बाइक्स अवेलेबल हीरो, मतलब पूरे शोरूम का ऐड दिया, उसमें नीचे लिख दिया ओनली 1000 बाइक्स अवेलेबल, जल्दी आओ और जल्दी पाओ। होता है ना कि जब पता है कि लोगों को भी 1000 ही है, कभी भी बिक सकती है, तो लोग ज्यादा जल्दी जल्दी अप्लाई करें। आपने बहुत भी लिख दिया वहां पर कि ओनली 1000 बाइक्स अवेलेबल। तो यहां पर क्या आपने वो जितने भी लोग उस पेपर को पढ़ रहे हैं, उस एड को पढ़ रहे हैं, क्या हर उस व्यक्ति के पास, हर उस व्यक्ति को आपने 1000 बाइक खरीदने का ऑफर नहीं दिया क्या? जिसने भी वो पेपर पढ़ा, अगर वो व्यक्ति उस पेपर उस को पढ़ के जाए तो 1000 बाइक्स के लिए अप्लाई कर सकता है कि नहीं कर सकता? हाँ, अगर वो व्यक्ति 1500 बाइक्स के लिए अप्लाई करता है तो वो बेवकूफ है, लेकिन आपने लिखा 1000 बाइक्स अवेलेबल, तो उसने कहता पूरी 1000 के घर मुझे दे दो, मैं खरीद लूंगा। हर व्यक्ति के पास 1000 बाइक खरीदने का ऑफर अवेलेबल है या नहीं है? है ना। अब उसमें से कितनी मांगता है वो अलग चीज है। क्या हुआ आपके पास, आपने क्या किया, ऑफर किया है पब्लिक को, इसके आगे हम लिख लेते हैं इश्यूड, इसके आगे क्या लिख लेते हैं अपन, इश्यूड। क्लियर? अब मान लो जैसे अपनी क्लास में अभी हम कितने बच्चे बैठे हैं टोटल, अभी 15 अपन लोग हैं सारे के सारे मिलके। अब हम सब ने वो पेपर पढ़ा है और हमारी तरह और लोगों ने भी पढ़ा है। अब मान लो उस तरह से 500 लोगों ने पेपर पढ़ा है वो, अब सबने अप्लाई कर दिया तीन तीन बाइक्स के लिए या दो दो बाइक्स के लिए, जो भी था, किसी ने तीन के लिए, किसी ने दो के लिए, कितना भी हो सकता है ना वहां पर, तो हो सकता है ना। बेसिक सी बात क्या है कि पब्लिक ने अब उस एड को देख के उस एड को रिस्पॉन्स दिया है और क्या किया है उन बाइक्स के लिए, अप्लाई किया है। मतलब कंपनी ने भी क्या करा, पहले एप्लीकेशन फॉर्म भर के भेज दो हमको, किस किस को चाहिए। अब जो हमारे यहाँ बुकिंग करा जाएगा, मतलब एक तरीके से बुकिंग करा दो, ऑलरेडी बुकिंग करा दो, मतलब सारे डॉक्यूमेंट्स भर दो, उसके हिसाब से आपको दो दिन बाद तीन दिन बाद बाइक्स अवेलेबल करा दी जाएगी। तो एक डेट थी उसकी बुकिंग कराने की भी, कि इस डेट तक आपको बुकिंग करा देनी है। हमको एक डेट मिली, हमने क्या कर दी, उसकी बुकिंग करवा दी। मतलब लोगों ने क्या किया, अप्लाई किया है, अप्लाई फॉर बाइक। सब्सक्राइब्ड, क्या हो गया यहां पर, सब्सक्राइब्ड। अब क्या हुआ कि जिस मान लो उस बाइक की जो वैल्यू है ना, एक बाइक की 1 लाख रुपीज पर बाइक है, आजकल इतने की आती है, 85,000 86,000 ऐसे, इससे कम नहीं आती है, थोड़ा सा उसमें एक आध एसेसरी ऐड कर लो, 1 लाख रुपए के आसपास बाइक पड़ती है ना, 1 लाख रुपए की एक बाइक है। कंपनी ने कहा कि भाई जिस दिन आप अप्लाई करोगे उस दिन आपको बुकिंग अमाउंट 10,000 रुपये जमा कराना पड़ेगा,
ठीक है, कितना जमा कराना पड़ेगा, 10,000 रुपये आपको उस दिन जमा कराना पड़ेगा और 50,000 रुपये आपको एक पर्टिकुलर डेट तक जमा कराने पड़ेंगे और बाकी पैसे मतलब उस कंपनी ने कुछ हमको बता दिया, या हो सकता है कंपनी कहते कि पूरे 1,00,000 रुपये बुकिंग वाले दिन जमा कराने पड़ेंगे, बाद का कोई कुछ भी हो सकता है। तो कंपनी ने क्या किया, हमसे वो पैसा कॉल किया है, कॉल्ड अप। अब इस कॉल्ड अप में से हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों जिन्होंने बुकिंग के टाइम तो 10,000 दे दिए, बाद में बाइक लेने नहीं जा रहे क्योंकि अपने 90,000 रुपये ही नहीं, जोश जोश में बुक तो करा दी, अब पैसे ही नहीं है, अब बाइक लेने नहीं जा रहे, या किसी ने कम दिए ज्यादा दिए जो भी है। लेकिन एक तो ये तो हो गया शोरूम ने जो पैसा मांगा वो, और उसके बाद क्या आ जाएगा, पेड अप। शोरूम जो वो पब्लिक जो पैसा उस शोरूम को पे करेगी वो, क्लियर। इस बात को ध्यान रखना, मतलब इस चीज को ध्यान रखना। सेम इसी के बेस पर हम आपको कल शेयर कैपिटल, आज हमने क्या पढ़ा, शेयर्स, कल हम पढ़ेंगे शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल की टाइप जो है ना वो इसी एग्जांपल के थ्रू क्या करेंगे, हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो सबको एग्जांपल समझ में आया, बात समझ में आई यहां पर, और स्पेशली इसमें जो समझने वाली चीज है ना वो स्टार्टिंग की तीन चीजें हैं, सबसे मुख्य समझने की चीजें तीन ही है, ऑथराइज्ड, इश्यूड, सब्सक्राइब्ड। ये तीन आपको ध्यान से समझ लेनी है, पांच टाइप हो चुके, छठा टाइप और होता है वो भी आपको बताएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में। टिल देन थैंक यू क्लास।